पूर्वांचल में होगी ओबीसी चेहरों की टक्कर। ओबीसी नेताओं की अग्नि परीक्षा में कौन मारेगा बाजी? पूर्वांचल के रण में ओबीसी बनेगा किंगमेकर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का रुख अब धीरे धीरे पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है। पूर्वांचल में कई ओबीसी दिग्गज नेता अपना दम दिखाने में जुटे हैं। ये ऐसे चेहरे हैं जो पिछड़ी जातियों के बड़े नेता होने का दावा करते हैं। इनमें से कई तो खुद ही मैदान में हैं, तो किसी के परिवार के सदस्य चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, दारा सिंह चौहान, संजय निषाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जैसे नेताओं की यह असली परीक्षा होगी। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने साल 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। तब यूपी विधानसभा चुनाव में सुभाषपा को 4 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि फिर उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा। सपा के साथ उनका यह अलायंस ज्यादा दिन नहीं चल पाया और राजभर फिर से एनडीए में शामिल हो गए। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनके सामने बेटे की जीत के साथ भाजपा को अन्य सीटों पर बढ़त दिलाने की चुनौती है। पूर्वांचल में राजभर जाति का अच्छा प्रभाव माना जाता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को अब अपना असर साबित करना होगा। पूर्वांचल में दूसरी बड़ी नेता हैं अनुप्रिया पटेल, जो कि कुर्मी पटेल और पिछड़ों की बड़ी नेता मानी जाती हैं और केंद्र की सरकार में मंत्री भी हैं। अपना दल इस 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से एक मिर्जापुर सीट पर खुद अनुप्रिया पटेल ही मैदान में हैं। अपना दल पर खुद की 2 सीटों के साथ साथ आसपास की सीटों पर भाजपा को भी बढ़त दिलाने की जिम्मेदारी है। भाजपा में ओबीसी चेहरे के तौर पर अनुप्रिया पटेल को आगे रखा जाता है, लेकिन यूपी में जिस तरह से ओबीसी की हकमारी हुई है, उससे ओबीसी समाज में जबरदस्त नाराजगी भी है। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो या फिर यूपी में जातिवाद जनगणना कराने का मुद्दा, ओबीसी समाज भी भाजपा के खिलाफ लामबंद हो रहा है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के लिए ओबीसी को बीजेपी के साथ जोड़े रखने की बड़ी चुनौती होगी। अगले बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। पूर्वांचल की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना बात पूरी हो ही नहीं सकती। कभी बहुजन समाज पार्टी में बड़े कद के नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीजेपी में थे, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। हालांकि अखिलेश यादव के पीडीए की हवा निकालते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओबीसी के नाम पर ही समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और नई राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन कर लिया। स्वामी कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो ओबीसी वोट में कितनी सेंध लगा पाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की साख भी दांव पर लगी हुई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो खुद अपने दम पर कुशीनगर से चुनाव जीत पाते हैं या सिर्फ वोट कटवा नेता बनकर रह जाते हैं। वहीं दारा सिंह चौहान भी पूर्वांचल की राजनीति में पिछड़ों की राजनीति करने वाले बड़े नेता माने जाते हैं। दारा सिंह चौहान योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया था। योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर दारा सिंह चौहान साइकिल पर सवार हो गए थे। दारा सिंह चौहान को पूर्वांचल का कद्दावर नेता माना जाता है। उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत बसपा से की थी। 1976 में बसपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान राज्यसभा पहुंचे। पाला बदलने में माहिर दारा सिंह चौहान का मोह बसपा से बहुत जल्द भंग हो गया। राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होते होते उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं। हालांकि घोसी उपचुनाव में हार के बाद भी बीजेपी ने उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाया है। ऐसे में उन्हें भी भाजपा के लिए वोटों में बढ़त दिलाने की अग्नि परीक्षा को पार करना होगा। आगे बात करते हैं पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल भी ओबीसी समाज के कद्दावर नेता हैं और अपना दल कमेरावादी चला रही हैं। पीडीए के नाम पर पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया और यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ मिलकर पीडीए मोर्चा बनाया है और पूर्वांचल की 20 सीटों पर उम्मीदवारों को उतार दिया। मिर्जापुर जिले में पल्लवी पटेल ने अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के रास्ते में कांटे नहीं बल्कि कीले बिछा दी हैं। पीडीएम ने मिर्जापुर जिले से दौलत सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है। चुनार और मड़ीहान विधानसभा क्षेत्र के कुर्मी बाहुल्य इलाकों में दौलत सिंह पटेल का दबदबा है। पीडीएम से उम्मीदवार बनने के बाद दौलत सिंह पटेल अनुप्रिया पटेल के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे। वहीं मिर्जापुर में एनडीए की राह मुश्किल करते हुए वो दिखाई देंगे। ऐसे में चुनाव में उनकी पार्टी पर पूरी नजर बनी हुई है। उन्होंने अपनी अलग राह चुनी है, इसलिए अब उन्हें खुद को साबित करना होगा।
इन सब के अलावा संजय निषाद का भी पूर्वांचल में खासा असर है। संजय निषाद योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। पूर्वांचल की 24 सीटों पर निषाद बिरादरी का प्रभाव माना जाता है। साल 2017 में निषाद पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ा था, इसमें उन्हें सिर्फ 3.58% वोट ही मिले थे। हालांकि 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन करके उनके बेटे सद कबीर नगर से सांसद बने थे। इस बार प्रवीण निषाद भाजपा के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या वो बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन पाते हैं या नहीं। इस तरह पूर्वांचल में ओबीसी नेताओं पर जीत और हार का दारोमदार टिका होगा। सभी नेताओं ने अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग चुना है। ऐसे में समाज किसके साथ जाता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि पूर्वांचल में मुकाबला तगड़ा होने वाला है और इन सभी नेताओं की साख भी दांव पर लगी हुई है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।